हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले तमाम वीडियो आसानी आपको मिल सके। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले तमाम वीडियो आसानी आपको मिल सके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाई, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी लाजम सब्सक्राइब करें। आज जो मैं आपको अमल बताने लगी हूँ अपने प्यारों को पाने के लिए, अपने प्यारों की मोहब्बत के लिए, उससे पहले गुजारिश है कि अगर आपने इस्तखारा करवाना है या फिर रूहानी इलाज की आपको ज़रूरत है तो अपनी इस बहन को ज़रूर याद रखें। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपकी बहन आपकी भरपूर मदद करेगी। और अगर कोई मसला बहुत बड़ा है या बहुत बड़ी परेशानी है और आप बहुत से वज़ाइफ करके भी थक गए हैं तो इंशाल्लाह आपके जितने भी मैंने आपको अमल बताए हैं वो आपकी मदद करेंगे, आपकी मुश्किल आसान करेंगे। आप अपनी बहन से रब्ता कर सकते हैं, जो भी आपके इस्तखारे में अमल आएगा तो इंशाल्लाह वही अमल आप करें और आप देखिएगा किस तरह आपका मसला हल नहीं होता। अक्सर वजह ये भी होती है कि लोग इस्तखारा नहीं करवाते तो इससे ये होता है कि आप फिर मुश्किल में ज़्यादा ही मतलब कि आपके लिए बढ़ती चली जाती है, जब अल्लाह की रज़ा नहीं होती और ना ही आपको पता होता है आपने कौन सा अमल करना है कौन सा नहीं, तो फिर इस किस्म की मसला और परेशानी आपको होती है। आज जो मैं आपको अमल बताऊँगी ये अमल इतना ज़्यादा मुजरब और तेज़ तरीन है कि ये एक मुक्किल का अमल है। इस जो इन मुक्किल का नाम है दर्दाइल, इन मुक्किल का नाम है दर्दाइल। और आप इनको कैसे मतलब कि पुकार सकते हैं या आपने एक लफ्ज़, सिर्फ एक लफ्ज़ जो मैं आपको बताने लगी हूँ वो आपने पढ़ना है। पढ़ने का तरीका जो मैं आपको बताऊँगी बस आपने जिस तरह मैं बताऊँगी आपने पढ़ना है। अपने हाथ पे आपने जो है सिर्फ दर्दाइल लिखना है, अपने हाथ पर आपने दर्दाइल लिखना है। दर्दाइल लिखकर आपने साथ में आपने पढ़ना क्या है, या वदूदो मन तालिब, या वदूदो मन तालिब। मैं वो स्क्रीन पे भी चला दूंगी, ठीक है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। हाथ पे आपने लिखना है दर्दाइल, जो दर्दाइल है उनका जो मुक्किल है उनका नाम भी मैंने आपको देखे स्क्रीन पे चल रहा है वो भी आपको मैंने बता दिया है। और या वदूदो मन तालिब ये भी सिर्फ आपने पढ़ना किस तरह है, आप इसका भी तरीका और गौर से सुन लें। आपका प्यारा किस कदर आपसे दूर है, किस कदर नाराज़ है, सिर्फ ये वजीफ़ा करें और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपका प्यारा अल्लाह ने चाहा तो वो ठीक भी हो जाएगा। उसके दिल में जितनी भी आपके लिए मैल है या जितना भी आपसे वो रूठ है, जितना भी आपसे वो मतलब कि नाराज़ है, इग्नोर करता है आपको, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से अगर आप रात को ही अमल करते हैं तो सुबह इंशाल्लाह वाज़ेह फ़र्क आपको महसूस होता है। और 3 दिन ये अमल करना है। तस्वीर पे आपने जो है दम करना है, अपने जो है आपने तस्वीर मिलाकर भी दम कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। हाथ पे लिखकर आप जो है तस्वीर सामने रखकर पहले अपने हाथ के ऊपर लिखकर पहले दम करें और वो हाथ जो है आप तस्वीर के ऊपर ऐसे अपना रख दें। हाथ रख कर तो आपने आंखें बंद करके सिर्फ पढ़ना क्या है, या वदूदो मन तालिब, या वदूदो मन तालिब। कितनी दफ़ा पढ़ना है, 7 मरतबा, या वदूदो मन तालिब। अब मन तालिब हम किसको तलब कर रहे हैं, ठीक है, 7 मरतबा पढ़ने के बाद आपने नाम लेना है अल्लाह ताला का। जो मैं तरीका अब आपको बताने लगी हूँ उस तरीके से आपने पुकारना है अल्लाह पाक को, कैसे कि आपने कहना है, ठीक है, या दर्दाइल, ठीक है, हुक्म अल्लाह, या दर्दाइल हुक्म अल्लाह हाजिर शो, या दर्दाइल हुक्म अल्लाह हाजिर शो, ठीक है, कि ए दर्दाइल अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से जिसको मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ उसको हाजिर कर। ये अमल आप किस किस मकसद के लिए कर सकते हैं और किस दिन कर सकते हैं, दिन की कोई पकड़ नहीं, आपने बस अंधेरा यानी रात हो उस वक्त करना, दिन में ये अमल नहीं करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नरम दिल फरिश्ते हैं, नरम दिल मुक्किल हैं जो आपकी मदद के लिए आते हैं। आप ये अमल कितने दिन कर सकते हैं, ये अमल 3 दिन कर सकते हैं। और सिर्फ 2 मिनट का ये वजीफ़ा या अमल है जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। स्क्रीन के ऊपर दर्दाइल का नाम आपको मैं बता दूंगी, वो भी चल रहा है, और साथ में जो है या वदूदो मन तालिब,
ठीक है वो भी, और जो मैंने डिटेल आपको बताई है उस तरह ही आप करेंगे। गलती की मेरे प्यारे बहन भाइयों की भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि फिर आपका जो उनसे मसला फिर ज़्यादा फिर ठीक नहीं होता ना। बहुत से लोग जो उनसे वज़ाइफ करके अमल करके थक गए हैं, तो फिर अल्लाह के कलाम से मदद हासिल करें, इंशाल्लाह आपका प्यारा अब तक मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि अगर ख़वातीन का मसला है या घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा है, किसी का शोहर नाराज़, यहाँ तक कि किसी का शोहर घर नहीं आता, या फिर गलत मतलब कि जो है काम में लग जाता है, या ख़वातीन के साथ उनका तल्लुक कायम हो जाता है, या ख़वातीन बहुत ज़्यादा परेशान, इसी तरह ख़वातीन के लिए है, अगर किसी की वाइफ है जो बहना है अगर इस किस्म के मसले में है, जिसे कहते हुए भी हया आती है, तो फिर आप जो है ये वाला अमल ज़रूर करें। ठीक है, ये एक ऐसे मौक़े हैं, इनका एक दफ़ा ही नाम लें तो आपके घर में ये अल्हम्दुलिल्लाह आना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जहाँ पर इनका नाम पुकारा जाए ये वहीं पर हाजिर होते हैं और उनकी मदद करते हैं। या वदूदू से इन्हें मोहब्बत है, यानी अल्लाह पाक की ख़ास करम नवाजी है, अल्लाह पाक की मोहब्बत है इस लफ्ज़ में, तो इससे वो नरमी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप ये अमल ज़रूर कीजिएगा, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आपका जो प्यारा है वो वापस आ जाएगा। नंबर दो, आप ये अमल जो है अगर कोई पसंद की शादी करना चाहता है, तो जिसको भी हाजिर करना चाहता है या जिसको बुलाना चाहता है, तो ये अमल ज़रूर करें, उसी दिन सुबह इंशाल्लाह हाजिर होगा। आपकी पढ़ाई में इतना मतलब कि करम होना चाहिए, रहमत होनी चाहिए, या इतना आपकी पढ़ाई में ताकत होनी चाहिए कि वो जो प्यारा है हाजिर हो जाए। नंबर दो, ये अमल जो है मियाँ बीवी की फैमिली, जैसे मैंने आपको बताया लड़ाई झगड़ा हो जाता है, फैमिली मेम्बर्स में भी हो जाता है, तब भी ये अमल कर सकते हैं, जिसको भी आप पुकारेंगे वो हाजिर होगा। बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि बहुत से ऐसे, जैसे किसी ने अब किसी के लिए वेट कर रहा होता है, कि किसी काम के लिए इंतज़ार कर रहा होता है, लेकिन वो शख्स उस वक्त हाजिर नहीं होता है, तो बस आपने ये सोचना है कि अगर मेरा ये काम हो जाता है, वो शख्स आ जाता है, तो फिर ये अमल करें। किसी ने कोई जॉब करनी है, या कोई मतलब कि कारोबारी मसला है, या कोई जॉब वगैरह करनी है, तब भी आप इन मौक़ों को बुला सकते हैं, हाजिर कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी इस बहन को इजाज़त दें, इस अमल को जो है आप एक दफ़ा ही कर सकते हैं, और फिर देखिए इंशाल्लाह आपका मसला अल्हम्दुलिल्लाह हर हल होगा अल्लाह के हुक्म से। इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैरा।